दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया चैनल में। हम आपके लिए फिर उपस्थित है अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज लेकर। दोस्तों अभी अभी आ रही अपडेट खबर के अनुसार करीब 4 बजे गूगल पर खबर अपडेट हुई है कि अब तूफान के बाद कहर आ रहा है भूकंप का। दोस्तों आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको ऐसी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, दैनिक राशिफल, दिन भर की 10 बड़ी खबरें मिलती रहे। दोस्तों दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लगे भूकंप के झटके। दोस्तों भूकंप के झटके करीब 4:11 पर आए। फिलहाल किसी से जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है, परंतु मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि भूकंप फिर से आ सकता है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में 6.2 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके करीब 4:11 पर आए थे। जानकारी के मुताबिक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश की पहाड़ियों में है। भूकंप का केंद्र हिंदू कुश की पहाड़ियों में करीब 10 किलोमीटर नीचे है। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि भूकंप आने पर आप क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। दोस्तों भूकंप के दौरान सतर्कता से जुड़ी कुछ बातें इस प्रकार है। अगर आप किसी इमारत के अंदर है तो फर्श पर बैठ जाएं या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे चले जाएं। यदि कोई मेज या ऐसा फर्नीचर ना हो तो आप अपने चेहरे और सर को हाथों से ढक लें और कमरे के किसी कोने में दुबकर बैठ जाएं। अगर आप इमारत से बाहर हैं तो इमारत, पेड़, खंभे और तारों से दूर हट जाएं। अगर आप किसी वाहन में सफर कर रहे हैं तो उस वाहन के अंदर ही सतर्कता से बैठें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं और आपके साथ दिक्कत आ सकती है। कहीं आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने वाहन को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं, साथ ही आप भूकंप की चपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों यह है थी अभी की अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, जिसमें हमने आपको बताया कि मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि अब भूकंप आ सकता है और साथ ही मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही राजस्थान, दिल्ली वगैरह में अलर्ट जारी किया गया है। संभावना जताई जा रही है कि अब तूफान के साथ भूकंप भी आ सकता है। तो आप भी सावधान रहें और सावधानी के साथ कार्य करें। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो पूरी तरह मौसम की जानकारी के बाद ही आएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर वस्तुओं की अन्य जानकारी के साथ। तब तक के दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।